मेरी वैक्सीन दो लगी हुई है और उसी कारण मैं सुरक्षित हूं। अनुभव कह रहा है कि जो वैक्सीन लगी जिनके दो, अभी हमारे 45 डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर वैक्सीन लग चुकी थी, वो सब वापस कोरोना के पॉजिटिव आ गए थे, परंतु 45 आराम से घर पे रह करके बिना कोई तकलीफ के माइल्ड होता है अटैक कोरोना का, जिंदगी बच जाती है, मृत्यु दर जीरो हो जाती है। तो कम से कम वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है कम से कम मृत्यु दर जीरो रहे, मृत्यु की तरफ कोई नहीं जाए, ये वैक्सीन का फायदा बहुत बड़ा है। ये बात कहता हुआ मैं आपका, वैसे मैं कहूँ इतना कम है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और प्लीज आप कृपा करके आम जनता के सहयोग के बगैर, और टोकने का मैंने आपको इसलिए कहा है कि बेवकूफ़ी कर जाते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं, मास्क लटका देते लगा करके शौक के अंदर, मास्क का प्रॉपर तरीका होता है नाक तक मास्क लगा रहे, नाक तक, घर के अंदर बैठे थे मास्क लगाने की अभी एडवाइस जारी हुई है केंद्र से भी, एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा में आ गया ये कोरोना, हवा में आ गया है, घर के अंदर हो तब भी आपको ये मास्क लगाना है। डबल मास्क की बात हमें लग गई है, अब आपके ऊपर है। मैं भी मीटिंग बैठता हूँ तो बिना मास्क बैठता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं आप मास्क क्यों लगाते, मैं तो अभी मीटिंग बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, पर कहने का मतलब है घर में हवा में मास्क लगाना जरूरी है। और मैं भी जिल गया हूँ, हो सकता है उसका जिला हूँ, तो कृपा करके ये मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है, डबल मास्क लगा तो और भी अच्छा है, आप पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। एक बार कोरोना होने के बाद में लंग्स में पहुंचता है जल्दी, आजकल 3-4 दिन में आपके सिम्टम आते ही, सिम्टम नहीं आए तो चिंता मत करो, सिम्टम आते ही आप डॉक्टर से बात करें, इलाज शुरू करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, सीटी स्कैन से मालूम पड़ता है कि वास्तव में आपको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया है। तो सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है, और मैं समझता हूँ कि ये मास्क ही बचाव है हमारा, बहुत बड़ा बचाव है, मास्क के लिए प्रूफ है कि इससे पूरी तरह संक्रमित होने से बच सकता आदमी। तो ये मैं आपको कह के आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने पूरा भाग लिया, इतनी बड़ी संख्या में आपने, लाखों लोग सुन रहे हैं अभी, सुना उसको मेरी बातों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर पूरा अमल करेंगे। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो तैयारी हमने सब कर रखी है, आप निश्चिंत हैं सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, और संख्या बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। इलाज तो हम करेंगे, संख्या रोकने का काम पब्लिक का है, पब्लिक का है, क्योंकि 7 करोड़ जनता है, 7 करोड़ लोगों तक ना कोई मंत्री पहुंच सकते ना हम पहुंच सकते, वो खुद तय करेंगे। हमें राष्ट्र को बचाना है, खुद को बचाना है, परिवार को बचाना है और लोगों को बचाना, प्रदेशवासियों को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको दो टूक कि आपके पास इलाज है, किसी के पास इलाज नहीं है, वो इलाज आपके पास में है, और सरकारी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे पूरा बजट में झोंक दो इसके अंदर तो मुझे मंजूर होगा, परंतु सरकार के कामों से या व्यवस्था से कोई आदमी मरे ये मुझे सहन नहीं होगा।